सिंपल मॉडल है एक्चुअली। इसमें दो मॉडल आएगा, मीन्स एक हैलोजन बल्ब का और एक एलईडी बल्ब का आएगा। आप ले लिया है हैलोजन का बल्ब के लिए, और इधर आ जाओ। कितना केवी का लाइट मास्क है? सॉरी, कितना केवी का है? 5 केवी का है। ओके, और इसको सीरियल नंबर और कभी मैन्युफैक्चरिंग हो गया इधर लिख दिया है। और उसके बाद इधर आ जाओ, ये तो कूलेंट लेवल चेक करने का है, ये मिस्टुबिस इंजन है। और आई लेवल चेक करने का इधर दिखा है, इसका अभी आई लेवल ठीक है, इतना तक रहना पड़ेगा। और उसके बाद ये तो एयर फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर है, ये तो फ्यूल फिल्टर है। ठीक है, इधर आ जाओ। ये तो टोटल पैनल बोर्ड है, ये मेन एमसीब है, ये की स्विच है, ये आवर्स मीटर है, ये चारों लाइट ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए चारों लाइट है। ठीक है, ओके। और अभी इसका मेन इम्पोर्टेंट एक है, आप मशीन चालू करने का पहला ये है ना, ये की को डायरेक्ट स्टार्ट मत करने का। ओके, और ऐसा हो गया तो आपका एक फ्यूल का मोटर रहेगा ऊपर, वो चला सकता है। और क्या करने का, विदाउट स्टार्ट करने का पहला एक 10 सेकेंड फ्री हीट करना पड़ेगा ऐसा। Okay. इधर फ्री हीट करके लिए एक ऑप्शन है, एक 10 सेकंड तो करना पड़ेगा, उसके बाद इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट करके कभी कर देंगे, पहले इधर आ जाओ। और गाड़ी आप इसको ट्रैक्टर माउंटिंग करके लिए कब ले जाएगा? अभी ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगा। okay. नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादा चला गया तो बल जाएगा, नहीं जाएगा। और अभी एक है, इसको क्या है, आप ट्रैवल में जाके वो डैमेज कुछ हो गए तो वारंटी में तो नहीं आएगा, वही तो मेन है। इसको हम रिमूव करके कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, फिर फिट करने का भी आप ही करना पड़ेगा। ये इजी है क्या? इजी है। okay. और वायर गियर करने का थोड़ा तकलीफ है, आप जाने तक ठीक से जाओ, 10 किलोमीटर 10 स्पीड से जाए तो कुछ नहीं होएगा। ठीक है। और उसके बाद ये आई लेवल, ये गाड़ी लेवल के लिए रख दिया है, तो थोड़ा तो इतना रहना पड़ेगा क्योंकि ऑयल मशीन एग्जैक्ट सेंटर पे रहना है ना, रहे तो चलेगा सर्किल के अंदर। हाँ, चलेगा, कुछ नहीं होएगा। फिर ऐसा ऐसा हो गया तो डीजल नहीं मिल जाएगा, थोड़ा कम रहे तो डीजल नहीं, तो एयर पकड़ दिया और प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको रख दिया है। ये तो मेन बोर्ड है, लाइट ऊपर करने के लिए है। ओके, हाँ, थोड़ा ये स्टैंड ऑन करने के लिए ये रेंच मैनुअल है, दोनों में रेंच मैनुअल सेफ रहेगा। और ये तो टोटल अप करने के लिए 8.5 मीटर तक इसको ऊपर जाएगा। ठीक है, ये तो अभी मैं कर सकता हूँ। और इसको ऑफ करने के पहला इधर एक लॉक है। okay. इधर एक लॉक ठीक रहना पड़ेगा, टाइट रहना पड़ेगा, फुल टाइट टाइट रहना पड़ेगा। okay. और इसको ऑफ करने के लिए जाएगा, फिर इतना ही रहने दे, 8.5 मीटर तक भी जाएगा, क्योंकि इधर क्या विंड ज़्यादा रहेगा ना, इसलिए इतना रहने दे, ज़्यादा हाइट हो गया तो हो जाएगा। और अभी इधर में इधर आ जाओ, इसको अभी अभी ऐसा है वो लाइट का okay. पोजीशन, इसको लूज करके आप ऐसा रोटेशन कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ऐसा रोटेशन करके इसको फिर इधर लॉक करना पड़ेगा। ओए, लॉकिंग सिस्टम और आपको नहीं ऐसा नहीं चाहिए, फिर स्ट्रेट रख के फिर करना पड़ता है, तो ऐसा करके डायरेक्शन ओके। और अभी एक इसमें है, अब ट्रैवल करने के पहला ये डायरेक्शन दोनों पे है ना, होल्ड करते हैं ना। okay. एक दोनों डायरेक्शन सेम रहना पड़ेगा। okay. yeah. यही मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको ऐसा कर दे तो बल्ब उल्टा जाएगा। सो इसको सेम डायरेक्शन रहना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन रख के इसको डाउन करना पड़ेगा।
ये लॉक कैसा ओपन किया आपने? आपके लिए हाँ, अभी उल्टा नीचे करने के लिए क्या किया? डायरेक्ट फिर लॉक ऑटोमेटिक होता है ना? क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज का गियर सिस्टम दिया है ना उधर? कितना हो गया? आप डाउन करने का फायदा ये है ना, एक आप एक खुलने का है, इसको भी सेम उल्टा कर दे तो डाउन ठीक है, इसको स्टार्ट कर देंगे। इसका भी कोई क्वार्टर पिन नहीं? नहीं इसका नहीं, क्वार्टर पिन एक ही रहेगा। ये तो मैकेनिज्म है ना ये? हाँ ये मैकेनिज्म है, और इसमें इधर डाउन करने के बाद इधर भी एक क्वार्टर पिन है, इसको लॉक करने के बाद ये है ना इसको डाल के हाँ उधर है ना सेम करना पड़ेगा। अभी इधर डाउन होना है, ये होल ठीक से होना है, वो दिखता है उधर बस हो गया ना डाउन कर दे तो इसमें आके लॉक होएगा, इसके बाद ऊपर डालना पड़ेगा। ठीक है स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ये पोजीशन में स्टार्ट करने के लिए तो फ्री हीट करना ही पड़ेगा। विदाउट फ्री हीट कर दे तो इसका कॉइल गिल चला सकता है।